प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। बिहार पलिया बॉर्डर डीआईजी ने पेट्रोलिंग कर बॉर्डर का निरीक्षण किया है। खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पर डीआईजी आजमगढ़ पहुंचे हैं बिहार बलिया बॉर्डर। डीआईजी ने पेट्रोलिंग कर बॉर्डर का निरीक्षण किया है। आवागमन के लिए बने जयप्रभा सेतु पुल को भी देखा है। बेरिया थाने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है जयप्रभा सेतु पुल। तो डीआईजी आजमगढ़ बिहार बलिया बॉर्डर पर पहुंचे और डीआईजी ने पेट्रोलिंग कर बॉर्डर का निरीक्षण किया कि वहां पर क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, इसको लेकर डीआईजी ने निरीक्षण किया। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लॉकडाउन 100% प्रभावी रहेगा, अभी भी है। अभी हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग पूरा इस जयप्रभा पुल पर की है, बिहार बॉर्डर तक गए हैं पुल क्रॉस करके। कोऑर्डिनेशन भी वहाँ की भी पुलिस से लोकल स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से प्रभावी है, रहेगा। इसके लिए यहाँ पर राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में ड्यूटियाँ पर्याप्त फोर्स के साथ एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में लगाई जा रही है।